जब नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि आज के समय में इंडिया में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तब उन्होंने कहा इंडिया जो भी चीज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसकी एक लिस्ट निकालो और वही चीज तुम इंडिया में बना के बेचो। जब हमने लिस्ट देखी तब हमारी नजर पड़ी पल्प ऑफ वुड पर, जिसमें इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और इसका यूज पेपर और टिश्यू बनाने में होता है, जहां इंडिया यूएसए चाइना और स्वीडन पर हेविली डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले दो सालों में पल्प की ग्लोबल सप्लाई पूरी तरह से ठप है, क्योंकि सबसे पहले कोविड आया, बाद में रशिया यूक्रेन वॉर और लास्ट में यूरोप का एनर्जी क्राइसिस, जिससे पल्प के प्राइसेस 2021 में 25% बढ़कर $250 पर टन पर चले गए। फिर इंडियन पेपर कंपनीज ने भी अपने प्राइसेस 6-15% बढ़ा दिए। चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पहला है पल्प की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना और दूसरा उसके अल्टरनेटिव्स देखना, जिसमें आते हैं सबसे पहले बगास फ्रॉम शुगर केन, फिर स्ट्रॉज जो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है, और लास्ट में कॉटन जो एक एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है मगर इससे हाई क्वालिटी पेपर बनते हैं। वेट, इंडियन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट लिस्ट मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दी है, चेक करना मत भूलना।